नमस्कार। आज हम बनाएंगे पालक के पकौड़े। तो मैंने ये 250 ग्राम पालक लिया है। इसको धो के मैंने अच्छे से 2-3 पानी धो लिया और काट लिया है। तो बड़े से बर्तन लिया मैंने बड़ा, उसमें पालक डाल दिया। और ये धनिया की पत्ती है, धनिया की पत्ती भी मैंने थोड़ा एक कटोरी के करीब डाला है। तो धनिया के पत्ती, पालक। अब हम मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच जीरा, काली मिर्च को भून के पेस्ट बना लिया पाउडर, 1 चम्मच वो डाला। 2 पिंच हींग, आधी चम्मच साबुत जीरा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च। मैंने लाल मिर्च थोड़ा कम डाला क्योंकि मैंने ये 3 हरी मिर्च ली है और हरी मिर्च मेरी तीखी है, इसलिए लाल मिर्च थोड़ा कम डाल रही हूँ। और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, लंबे में कट कर लिया है धो के, उसको भी डाल देंगे। तो बेसन डालेंगे। तो इस चम्मच से मैं 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। और मिलाने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो और बेसन ऐड मतलब डाल देंगे। पानी नहीं डालेंगे हम इसको, सब चीज़ों को मिक्स करके। ऐसे ही हम, पालक है तो पानी छोड़ देगा और प्याज भी नमक डालने के बाद, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको लगे कि पानी डालना चाहिए, थोड़ा सा वो है, गीला नहीं हो रहा, तो आप पानी डाल सकते हैं। और अभी मुझे लगेगा तो थोड़ा बेसन 2 चम्मच और डालूँगी। तो 2 चम्मच मैं इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ। इससे क्या है, हमारे जो पकौड़े हैं थोड़े से क्रिस्पी होंगे चावल के आटा से। तो 2 चम्मच ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। दो चम्मच बेसन और डाल देंगे। टोटल मैंने इस चम्मच से 6 चम्मच बेसन और 2 चम्मच चावल का आटा डाला है। अब इसको कम से कम 2-3 मिनट तक हम ऐसे ही मसलते रहेंगे। मैंने पानी नहीं डाला और देखिए ये अपने आप पानी छोड़ रहा है, पालक और प्याज। पूरा मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको बराबर मसल दिया है। तो ये देखिए पकोड़े तलने जितना हो गया है। अब चलिए हम इसको रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर रख देंगे तो ये और गीला होता जाएगा। इसको पालक के पकोड़े ऐसे फटाफट मिला के फटाफट हम इसको तल लेते हैं। तो चलिए, तेल हमारा गरम हो गया है तो मीडियम फ्लेम पे हम रख देंगे और आराम आराम से पकोड़े अंदर तक पकेंगे। तेज़ गैस पे बिल्कुल ना पकाएं, तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पकोड़े पक जाएंगे। तो घुमा घुमा के हर तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ध्यान रखें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना करें। तो हमारे पकौड़े हैं हर तरफ से ब्राउन हो गए, सिक चुके हैं अच्छे से और क्रिस्पी भी हो गए। तो पलटे को ऐसे किनारे करेंगे, एक्स्ट्रा तेल जो है कढ़ाई में चला जाएगा, इसके बाद पकौड़े निकाल देंगे। तो ऐसे ही हम सारे पकौड़ों को तल लेते हैं। तो देखिए पकौड़े पक चुका है। पकौड़े पकने में 3 से 4 मिनट लग जाता है क्योंकि मीडियम फ्लेम पे हम पकाते हैं। तो ये देखिए हमारे पकौड़े बनके तैयार हो गए और साथ में हरी चटनी धनिया की मैंने बनाई है। तो देखिए कितने करारे और कितने क्रिस्पी हुए हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।